एडोल्फ हिटलर जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध तो की दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध था, पूरी तबाही मच गई थी पूरी दुनिया में, जिसका शुरुआत करने वाला एडोल्फ हिटलर ही था। एक क्रूर तानाशाह के रूप में जाना जाता है एडोल्फ हिटलर को। ये तो हिटलर उसका नाम था, लेकिन एक ब्रांड बन गया हिटलर। इस वीडियो में उसकी पूरी कहानी मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यों हिंदी पर, मैं हूँ अफनो सिंह। दोस्तों इसके पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी आपको बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देखोगे तभी आपको आगे की सारी कहानियाँ समझ में आएंगी। इसके बाद मैं द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी भी बताऊंगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों एडोल्फ हिटलर की जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम था क्लारा हिटलर। हिटलर की जो प्रारंभिक जीवन था वो काफ़ी गरीबी से गुजरा था। हिटलर का धार्मिक स्थानों में काफ़ी रुचि हुआ करती थी और इसलिए पादरी बनने का भी मन बना लिए थे, लेकिन भविष्य में तो कुछ और ही होना था। फिर बात आती है सन 1900 की, जब हिटलर के छोटे भाई की चेचक की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिससे हिटलर को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है। और उसके बाद फिर बात आती है उसके कुछ दिन बाद 3 जनवरी 1903 को अचानक एडोल्फ हिटलर के जो पिता थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। फिर दोस्तों उनके पिता के मृत्यु के सिर्फ एक साल बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1904 में। और प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ही हिटलर ने जर्मनी सेना में भर्ती हो जाते हैं, और युद्ध के दौरान हिटलर ने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहली आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया था। इस दौरान वे 2 बार घायल भी हुए थे। इसी टाइम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रथम विश्व युद्ध की जो कहानी बताई थी, आपको बताया था कि उसको एक ब्रिटिश सैनिक ने उसकी जान भी बचाई थी हिटलर की। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1918 तक चला था और उस समय जर्मनी की पराजय हो गई थी, और जर्मनी की पराजय के बाद हिटलर को काफ़ी दुख हुआ था। और बस उसके बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्ट ऑर्बिटर पार्टी, जिसका नाम नाजी पार्टी, का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। बस यही वजह थी कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। हिटलर ने स्वास्तिक को अपना दल का चिन्ह बना दिया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह भी माना जाता है। और 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 का समय हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको 5 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन मात्र 2 साल बाद ही उनको रिहाई कर दी गई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा। 1933 में चांसलर बन गया हिटलर ने, और चांसलर बनते हिटलर ने जर्मन संसद को ही भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन गया, क्योंकि उस वक्त वहां के राष्ट्रपति जो थे हिंडनबर्ग हुआ करते थे। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से लेकर 38 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। और फिर दोस्तों 1 सितंबर सन 1939 की बात है, यूरोप को, पूरे यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी कर दी, और भयंकर द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। हिटलर पूरी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ था, और उस वक्त भारत पर भी ब्रिटिश हुकूमत था, और भारत में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने भी एक अपना अलग सा
आजाद हिंद फौज का गठन भी कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि ब्रिटिश से आज़ादी मिले, इसलिए आज़ाद हिंद फौज को ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया था। और हिटलर के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज ये दर्शाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के करीबी हुआ करते थे। हिटलर की जो आक्रामक नीति थी, वही फाइनली उसके मृत्यु के भी कारण बन गई दोस्तों। और आखिर में फिर वो दिन आता है 30 अप्रैल 1945 की, जब बर्लिन के एक स्थान पे हिटलर ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले बताते हैं कि उसने अपने एक उसके पास एक कुत्ता था जिसको जहर देके मरवा डाला था। और उसने अपने आखिरी जो वाइफ थी ईवा ब्राउन, सुसाइड करने से पहले उसने ईवा ब्राउन से शादी भी की थी, और वो खुद और ईवा ब्राउन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। बस इसी के साथ हिटलर समाप्त हो जाता है, हिटलर की कहानी भी खत्म हो जाती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, तो अगली वीडियो में मैं द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।